हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल आईसीआर नेट में जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है cruzeacademy.com, वहाँ से आप डोनेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट है cruzeacademy.com, नोट कर लीजिए। वहाँ से अगर आपको डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली मैं फ्री दे रहा हूँ आपको। पिछले साल जो आईसीआर नेट बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अलावा उसका बेस कौन सा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये था कि विटामिन जो है उसका कॉन्जेम है, उसका रिएक्शन कौन सा है। तो आपको क्या करना है, विटामिन्स याद रखने हैं, उसका कोएंजाइम और उसके जो रिएक्शन है वो आपको याद रखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि एमाइनो एसिड का जो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है उसमें कौन सा कोएंजाइम यूज्ड होता है। ये क्वेश्चन था कोएंजाइम पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट। तो उसका रिएक्शन है एमाइनो एसिड ट्रांसफर, उसका रिएक्शन है एमाइनो एसिड ट्रांसफर रिएक्शन, उसमें वो पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे जो विटामिन से उसके कोएंजाइम और उसके रिएक्शन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। विटामिन B1 वो है थायमिन। थायमिन है उसको उसका ना थायमिन है, उसका कोएंजाइम है TPP, ठीक है, और उसका रिएक्शन है CHO ट्रांसफर रिएक्शन। एल्डिहाइड ट्रांसफर रिएक्शन में उसका रोल है। उसके बाद विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, उसका कोएंजाइम है FAD और FMN। कोएंजाइम और कोफैक्टर है वो आपके साथ आपको सारे विटामिन के याद रखने हैं, और उसका रोल है रेडोक्स रिएक्शन में। उसके बाद विटामिन B3 दैट इज नियासिन, उसके लिए NAD+ और NADP+, और उसका रिएक्शन है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद है विटामिन B5, उसको पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, और उसका जो कोएंजाइम है दैट इज कोएंजाइम है उसका जो रिएक्शन है एसाइल ग्रुप रिएक्शन। उसके बाद है विटामिन B7 दैट इज बायोटिन, उसको बायोटिन बोला जाता है, उसका कोएंजाइम है बायोसाइटिन, और उसका जो रिएक्शन है ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर, ये रिएक्शन है विटामिन B7 का जो कोएंजाइम है और जो रिएक्शन वो देता है वो ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद है फोलिक एसिड दैट इज विटामिन B9, उसका जो कोएंजाइम है टेट्राहाइड्रोफोलिएट, वो है कार्बन ट्रांसफर और थायमिन सिंथेसिस, किसमें थायमिन सिंथेसिस, उसमें रोल है। उसके बाद विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामिन, उसका जो कोएंजाइम है 5' एडिनोसाइल कोबालामिन, वो है ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, उसका जो रिएक्शन है मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर में उसका रोल है। उसके बाद जो क्वेश्चन था
फ्लेवेनोइड इंडक्शन जीन के बारे में। तो सबसे पहले जो फ्लेवेनोइड है उसका रोल क्या है? जो फ्लेवेनोइड है वो रोल है उसका रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, उसका रोल है रूट नोड्यूल को फॉर्म करना। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तब रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। जो फ्लेवेनोइड इंड्यूस होता है उसके वजह से रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो रूट नोड्यूल के लिए वो है नोड जीन्स। नोड जीन्स नोड फैक्टर रिलीज करते हैं और उसकी वजह से वो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। तो उसमें क्वेश्चन था कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें नोड जीन्स और नोड फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है एमाइनो एसिड प्रीकर्सर्स, तो उसके बारे में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं हार्मोन के बारे में। तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन का प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन एमाइनो एसिड है। उसका रोल है सेल इलोंगेशन। उसके बाद है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन है उसका प्रिकर्सर है एसिटाइल कोए, और उसका रोल है पार्थेनोकार्पी। ये जो हॉर्मोन्स है उसके प्रिकर्सर में से एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन है उसका प्रिकर्सर है प्यूराइन्स ऑफ टीआरएनए, और उसका रोल है सेल डिवीजन में। उसके बाद है इथिलीन, इथिलीन का प्रिकर्सर है मिथियोनिन, और उसका रोल है फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट राइपनिंग। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, उसका जो प्रिकर्सर है वायोला ग्जेंथिन, और उसका जो रोल है एब्सिसिन में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एमाइनो एसिड है उसके प्रिकर्सर है और उसके रोल है, उसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो प्रिकर्सर में से जरूर आते हैं, आपको ये याद रखने हैं। हार्मोन में से, प्लांट हार्मोन में से क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। और एक चीज़ है कि मेरे यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के ऊपर, उसका जो रोल है कन्वर्ट करता है N2 को NH3 में, और वो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो क्या करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, दैट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसको प्रोटेक्शन कौन करता है, उसका प्रोटेक्शन है लेग हीमोग्लोबिन, वो लेग हीमोग्लोबिन उसका प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पूरा करना है। मेरी यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें इस टॉपिक में करनी है, सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है वो सोइल बोर्न बैक्टीरिया है जो कि वो प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस करता है, और एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गोल्ड डिजीज, एग्रोबैक्टीरियम की बहुत सी स्पीशीज है उसके एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स करने हैं, आप वीडियो पूरा देखोगे तो ये कंप्लीटली डिटेल्स दिया गया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, उसमें से सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, ठीक है। तो ये स्पीसीज है उसके जो डिजीज के एग्जाम्पल है वो आप करने हैं। उसके बाद है ये प्रोसेस, कैसे वो जीन्स
जीन ट्रांसफर करके प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस करता है। वो आपको ये प्रोसेस, उसमें से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है VIR जीन्स, ये आपको याद रखने हैं। उसमें से एक या दो क्वेश्चंस या फिर तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ICR नेट में। तो ये वीडियो अवेलेबल है, पूरा देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, उसमें से क्वेश्चन आया था प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में से। तो ये प्रोसेस में आपको क्या करना है, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में। सबसे पहले तो वो प्रोसेस क्या है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, अगर आपको हाइब्रिड प्रोड्यूस करना है दो स्पीसीज से, दो डिफरेंट स्पीसीज से, ठीक है, उससे कोई एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न है वो यूज़ किया जाता है। तो उन उसके दो टाइप से, उसमें से जो केमो फ्यूज़न है, फ्यूज़न इंड्यूस बाय केमिकल एजेंट्स, तो वो आपको केमिकल जो है, कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, एक है PEG, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न बाय पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ये केमिकल है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो केमिकल के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। और सबसे पहले तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस का एग्जांपल दिया है, सपोज ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ से अगर आप रीड करते हो और यहाँ से रीड करते हो, दोनों सेम है, यानी कि मिरर इमेज है, मिरर इमेज की तरह ये सीक्वेंस है। यहाँ से अगर आप रीड करते हो AGCT आता है, वहाँ से भी रीड करते हो तो AGCT आता है, तो उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, ये जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोला जाता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कट करते हैं, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी सीक्वेंस है, जैसे EcoR1 है, तो EcoR1 की जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सबसे पहले तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है वो आपको याद रखना है। उसके बाद EcoR1 रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसकी जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखनी है, जैसे EcoR1 है, HIND3 है, BAM-H1 है, उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, कहाँ से वो कट करते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूरा वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है पल्सिस आर डेफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड, तो पल्सिस है, सीस है, वो डेफिशिएंट इन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीरियल के बारे में भी पूछा जा सकता है, सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन लाइसिन, और पल्सिस आर डेफिशिएंट इन मिथियोनिन और सिस्टीन, दैट इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। उसके बाद क्वेश्चन था एंटरोपेप्टिडेज एंजाइम है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ऑप्शंस दिया था, उसमें से राइट आंसर है क्लीव्स द ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, वो एक्टिव फॉर्म है, उसको ट्रिप्सिनोजन वो है इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म है। फिर ट्रिप्सिन का रोल है क्या है कि वो कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन, और प्रोलाइपेज को कन्वर्ट करता है लाइपेज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आया था पिछले साल। उसके बाद है सी वैल्यू पैराडॉक्स, वो क्या है वो क्वेश्चन आया था। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स में क्या है, कोरिलेशन, उसमें
डेफिनेशन है उसकी कि सीवियरली पैराडॉक्स क्या है, दैट इज लैक ऑफ प्रिसाइज कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीन्स एंड साइज ऑफ द जीनोम। सपोज 30,000 जीन्स है होमोसेपियंस में, 30 to 40,000 जीन्स है, तो उसकी जीनोम साइज है तो यहाँ पर 3.2 GB है, ठीक है। वैसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे यहाँ पर एक अगर एग्जांपल ले ले तो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई और यीस्ट, उसकी अगर कंपैरिजन करें तो जीन्स है 18,000, उसमें 6,000 है, लेकिन साइज है वो डिफरेंट है, जीनोम साइज है वो डिफरेंट है, यानी कि कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर साइज ऑफ जीनोम, तो उसकी कोरिलेशन है, उसको हम सी वैल्यू पैराडॉक्स बोलते हैं, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसको हम सी वैल्यू पैराडॉक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल बायोकेमिस्ट्री नेट में। उसके बाद का क्वेश्चन आया था एटीपी रिक्वायरमेंट्स फॉर सी4 पाथवे, सी4 पाथवे के लिए कौन कितनी एटीपी रिक्वायरमेंट्स है, तो ये रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आपको बायोकेमिकल पाथवेज जरूर करना है बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिकल पाथवेज में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सी3 पाथवे के बारे में, सी3 प्लांट में CO2 ATP और NADPH2, ठीक है, उसका रेशियो है 1:3:2, यानी कि ATP 3, NADPH2 और CO2, ये तीनों का रेशियो आपको याद रखना है। C4 में 1:5:2 और CAM प्लांट में 1:6.5 और 2 ATP। तो ये ATP रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में क्वेश्चन था पिछले साल। उसके बाद है क्रिस्पर Cas9 इन्वॉल्व्स, ऑप्शन था Cas9 प्रोटीन है और क्रिस्पर है वो सीक्वेंस है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या है कि बैक्टीरिया जो होता है वो वायरस जब अटैक करता है बैक्टीरिया पे तो वो सीक्वेंस जो है आइडेंटिफाई करके उसको डिग्रेड कर देता है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कंसेप्ट सिर्फ याद है। अभी क्रिस्पर Cas9 टेक्निक यूज होती है जीनोम एडिटिंग में, जीनोम एडिटिंग में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स Cas9 प्रोटीन, गाइड RNA, PM वो सीक्वेंस है और टारगेट DNA, यहाँ पर ये तो टारगेट DNA है, ठीक है। उसके बाद पिछला क्वेश्चन, पिछले साल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एपोप्टोसिस क्या है। एपोप्टोसिस है प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ है। इट इंक्लूड्स द सेल श्रिंकिंग, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमोसोमल DNA फ्रेगमेंटेशन और ग्लोबल mRNA डीके। इस चेंजेस की वजह से सेल है वो अपने आप डेथ हो जाता है, तो ये है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था। उसके बाद है क्वेश्चन था कीटोजेनिक और एमाइनो ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड कौन कौन से थे, उसके एग्जाम्पल, उसमें से क्वेश्चन था। और सबसे पहले देख लेते हैं उसका जो मीनिंग क्या है, वो मीनिंग भी क्वेश्चन था, उसमें कीटोजेनिक एमाइनो एसिड था, कीटोजेनिक एमाइनो एसिड, वो जो एमाइनो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिटाइल को ए डिग्रेड होके एसिटाइल को ए बनाते हैं और वो प्रिकर्सर है कीटोन बॉडीज के, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कीटोजेनिक एमाइनो एसिड। जो एमाइनो एसिड ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, तो उस एमाइनो एसिड को हम ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, तो उसका कौन कौन से टाइप है सबसे पहले वो देख लेते हैं। 5 मेजर फैमिलीज है,
उसमें से H2A, H2B, H3 और H4, ये फोर मेजर है, और इसको हम कोर हिस्टोन भी बोलते हैं। और H1 और H5 है वो लिंकर हिस्टोन है, जो लिंक करता है हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन का टाइप है, जैसे यहाँ से लिंकर हिस्टोन है। तो ये आपको याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें पिछले साल बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में आई थी। ये पार्ट वन है, पार्ट टू देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप डोनेट भी कर सकते हो, सुपर चैट में भी आप डोनेट कर सकते हो, मेरी वेबसाइट में भी डोनेट कर सकते हो। आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, आपके पास से मैं कोई एक रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको डोनेट करना है तो आप डोनेट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाके। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू क्लियर योर कंसेप्ट फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर गेटिंग इन टू द ICAR एग्जाम। ICAR एग्जाम में कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आई होप ये हेल्पफुल करेगा आपको। और मैं बहुत ही जल्द ट्राई करता हूँ मॉड्यूल वाइज वीडियो बनाने का, तो आप वो देखते रहिए मेरी यूट्यूब की चैनल। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो प्रोड्यूस करता हूँ तो पूरी उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल में या फिर आपके मोबाइल में आ जाता है। तो मिस मत कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।